इंडिया जो है वो वाकई ही शाइन कर रहा है, इस बात की तस्दीक अब इसरो की रिपोर्ट्स भी कर रही हैं। इस बारे में हम चर्चा करते हैं केंद्रीय पावर मंत्री मिस्टर आरके सिंह के साथ। सर, पावर जो है वो कहते हैं एक दशक में जितनी मिलती थी और अब जितनी मिलती है, ऊपर से भी इंडिया जो है वाकई शाइन कर रहा है। हाँ। सही बात। ये सैटेलाइट इमेजरी जो रात का है भारत का, वो अब ज्यादा चमक रहा है। इसलिए ज्यादा चमक रहा है क्योंकि हम लोगों ने हर गांव हर घर को रोशन कर दिया। और जो सैटेलाइट इमेजरी का कंपैरिजन है 2021 में जो सैटेलाइट इमेजरी रात में ली गई भारत का, और जो 2012 में था, उसमें करीब करीब 50% 40-50% की वृद्धि, यानी डेढ़ गुना वृद्धि है। उतना हम लोगों ने ज्यादा शाइन कर दिया। कुछ कुछ राज्यों में तो 4 गुना वृद्धि है। कौन से राज्य से? जो जो राज्य जहाँ पर की बिजली पहले कम थी, जो थोड़े पिछड़े हुए राज्य थे, वहां पर तो नेचुरली ज्यादा, क्योंकि हम लोगों ने 60% ये इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया। तो जितने कुछ पिछड़े हुए जो जहाँ विद्युतीकरण कम था, वहां पर करीब 4 गुना बढ़ गया। आज जो पहले से विकसित थे, जिनका विद्युतीकरण पहले से कुछ बढ़ा हुआ था, उसमें मतलब कि 30-60% तक वृद्धि हुई। कुल मिलाकर के पूरे देश में करीब 42% की वृद्धि हुई। तो ये दर्शाता है कि हम लोग की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के अभियाई में जो हम लोग की सरकार है, उसने वाकई कुछ काम किया है। वो तो किया है। देखिये, एक सर्वे लिया गया था एनजीओ के नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज के द्वारा 2015 में, और उस समय जो गांव में बिजली की उपलब्धता थी करीब 12-12.5 घंटा थी। अब उसका 2021 में लिया गया सर्वे, अब वो गांव में बिजली की उपलब्धता बढ़कर करके हो गई है 22-22.5 घंटा गांव में, शहरों में तो करीब करीब 24 घंटा हो गए। सर, अगर आपके राज्य की बात करें बिहार की, बिहार भी अब ऊपर से चमकता दिखाई देता है। बिल्कुल। तो कौन से क्षेत्र है जहां? और बिहार में भी करीब करीब बिहार में तुमको लगता है कि 4.5 गुना वृद्धि हुई है। 4.5 गुना वृद्धि हुई है। ये संतोष का विषय है। मतलब द इंडिया हैज रियली इज नाउ एट पार विथ डेवलप्ड कंट्रीज फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। सर, जो बॉर्डर एरियाज हैं, जैसे लद्दाख का एरिया है, अरुणाचल का है, वहां पर भी काफी जो है इलेक्ट्रिसिटी आबाद है। एकदम बिल्कुल, ये सब एकदम बिल्कुल इज मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन, एकदम बिल्कुल संतोष की बात। और जो प्रधानमंत्री जी को की अगुवाई में, प्रधानमंत्री जी को ही बधाई देनी होगी, क्योंकि उन्होंने ही हम लोग को लक्ष्य दिया था। पहले तो लक्ष्य दिया था कि हर गांव तक बिजली पहुंचाइए, उसके बाद उन्होंने लक्ष्य दिया कि नहीं साहब, आप हर घर तक बिजली पहुंचाए। इतना बड़ा चैलेंज लेना और इतना बड़ा चैलेंज देना, ये सर लद्दाख जैसे एरिया में, क्योंकि वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है बहुत ही एवर्स होती हैं, तो उसके बावजूद ये सब किया गया। ये हम तो धन्यवाद देंगे जो हमारे वर्कर्स हैं और जो इंजीनियर्स हैं सभी राज्य के, उन लोगों ने जो काम किया। आपको तो हम कुछ फोटोग्राफ्स शेयर कर सकते हैं जिसमें कि लोग अपने कंधे पर पोल लाकर के पहाड़ पर चढ़, पोल लेके पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, खच्चर पर ट्रांसफॉर्म से लदे हुए जा रहे हैं, नीचे नदी है, ऊपर में एक पतली से पुल से जा रहे हैं। कठिनाई तो बहुत थी, चैलेंजेस बहुत थी, टाइमलाइन भी था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था 1000 दिन, लेकिन हम लोगों ने कर दिया। सर, जैसे सरहदी इलाके हैं, जैसे मैं एक पढ़ रही थी जम्मू कश्मीर में एक डोरू गांव है जहां पर पहली बार बिजली गई है आजादी के बाद, केरन में पिछले साल पहली बार गई थी, तो वहां पे क्या खास तवज्जो दी जा रही है? नहीं देखिए, तो बहुत सारे गांव में, आप ये सोचिए कि हमको लगता है कि टोलों की बात करें तो लाखों टोल में पहली बार बिजली गई, गांव की बात करें जो अब आबादी वाले गांव हैं तो करीब 19,000 गांव में पहली बार बिजली गई। तो ये बिजली तो पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार ले गई। 2024 के चुनावों से पहले क्या कायाकल्प करने की उम्मीद? जनता देखती है कि क्या काम हुआ। हम लोगों ने तो बिजली में एकदम आमूल परिवर्तन कर दिया। पहले हम लोग बिजली में हमारी जो कैपेसिटी थी वो हमारी आवश्यकता से कम थी, यानी हम डेफिसिट थे, पावर डेफिसिट। आज हम बिजली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश को भी कर रहे हैं, नेपाल को भी कर रहे हैं। हमारी जो मैक्सिमम डिमांड गई है, वो हमारी मैक्सिमम डिमांड गई है करीब करीब 2,15,000 मेगावाट, और हमारी स्थापित क्षमता है 4,08,000 मेगावाट। तो हमारी स्थापित क्षमता डिमांड से कहीं ऊपर। उसके बाद फिर पूरा देश ग्रिड से नहीं कनेक्ट करता, हमने पूरा देश को ग्रिड से कनेक्ट कर दिया, लेह लद्दाख इंक्लूडेड।
और तो कोने कोने तक ग्रिड पहुंचा दिया। अब हम आप एक कोने से दूसरे कोने तक करीब करीब 1,12,000 मेगावाट आप बिजली तो ये प्रेषण कर सकते हैं। ये हम लोगों ने किया 1,73,000 सर्किट किलोमीटर हम लोगों ने ग्रिड जोड़ा। तो ये क्षमता में भी हमको लगता है कि करीब करीब 1,71,000 हम लोगों ने क्षमता जोड़ा, 1,73,000 ग्रिड लाइन हमने जोड़ा इधर 2014-15 के बाद। और उसके बाद फिर आप ये ले लें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जो स्ट्रेंथनिंग है उसमें हम लोगों ने करीब करीब 2,05,000-2,06,000 करोड़ खर्च किया और करीब 2,909 नए सबस्टेशन बनाए, करीब 3,980 सबस्टेशन का अपग्रेडेशन किया, 7.5 लाख सर्किट किलोमीटर हम लोगों ने HT लाइन्स LT लाइन्स एक्सटेंशन किया।